किसान दोस्तों, कणक दे बीज नूं तैयार करन वास्ते उस नूं किवें साफ सुथरा ते प्योरिटी तैयार करनी है, रोगिंग करवा के, बीज शुद्धिकरण करवा के। अज आपां तुहानूं दिखा रहे हां ब्रीडर सीड दा 2851 HD 2851, तुसीं नाम सुनिया होना। उस नूं आपां रोगिंग करवा रहे हां, बीज शुद्धिकरण करवा रहे हां। कहण दा मतलब, जिहड़ियां बल्लियां उच्चियां ने जां छोटियां ने जां नीवियां ने, उहनां नूं ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੀਜ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ HD 2851 ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਸੀਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਂ। और मैं चाहना कि चाहे थोड़ा थोड़ा बीज किसी भी किसान तक पहुंच सके, लेकिन 100% प्योर पहुंच सके। और जेड़ा ये फाउंडेशन बीज तैयार हो रहा है, किसान दोस्तों तुहाडे खेत दे विच 3 तों 4 साल लगातार बीज चलूगा, तुहानू बीज बदलन की कोई जरूरत नहीं, बार बार पैसे लाने की कोई जरूरत नहीं। बीज एक बार तुसी लो, 2-3 साल वरतो, हर साल आपका बीज रख लिया करो किसान दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी बड़मुली है। जे जानकारी चंगे लगे तो किसान दोस्तों अगे किसानां तक शेयर जरूर करो, व्हाट्सएप ग्रुपां च शेयर कर दिओ। अते दोस्तों, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वीडियो नूं लाइक करे और इस चैनल नूं सबसक्राइब करे। जे तुसीं फेसबुक ते देख रहे हो तो पेज फॉलो करो, क्योंकि इस अपने चैनल ते नवें बीजां बारे जानकारियां, नवीं स्कीमां बारे, खेती किसानी दे नवीं जो स्कीमां ने उस बारे जानकारी दित्ती जांदी है। धन्नवाद, मेहरबानी।